टू टाउन्स ए एंड बी, दो टाउन्स हैं एक ए और एक बी, आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट. घड़ी लगा लो, बस चलाएंगे, एक बस चल पड़ी कैपिटल टी के बाद, टाइम के बाद फिर एक और बस चल पड़ी कैपिटल टी टाइम के बाद, एक और बस चल पड़ी कैपिटल टी टाइम के बाद, एक और बस चल पड़ी. इधर आ जाओ बी, बी स्टेशन में भी यही हो रहा है, कैपिटल टी टाइम के बाद बस चला दी, कैपिटल टाइम के बाद बस. तो यानी कि पूरे इस सड़क पे बसेस कैपिटल टी टाइम के बाद आती जा रही हैं, इधर भी और इधर भी, राइट? ठीक है. अ मैन साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 इन अ डायरेक्शन ए टू बी, एक साइकिल वाला जा रहा है इससे भी आराम से मजे से 20 की स्पीड से जा रहा है, बसें चल रही हैं कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर रेगुलर इंटरवल पे. Notices, उसने नोट किया, a bus going past him every 18 minute in the direction of his motion. वो कह रहा है कि जब मैं इधर जा रहा हूं ए से बी कॉन्स्टेंट स्पीड 20 के साथ, तो एक बस उसे ओवरटेक करती है, फिर अगली बस उसे ओवरटेक करती है 18 मिनट के बाद. आपको 18 क्यों, टी मिनट के बाद क्यों नहीं? देखो अगर वो खड़ा है साइकिल चला नहीं रहा, फिर तो टी टाइम के बाद बस ओवर क्रॉस करेगी, वो खुद चल रहा है, टाइम टी कैसे रहेगा? तो अब कितनी देर में क्रॉस करती है उसे, टी टाइम के बाद. क्लियर है? कब? जब बस उसे पीछे से ओवरटेक करती है इन सेम डायरेक्शन. लेकिन जो बस ऑपोजिट आ रही है उसके, उसने नोट किया एक बस गई, फिर दूसरी बस जो आती है वो 6 मिनट में क्रॉस करती है. अब ये टाइम कम क्यों हुआ? क्योंकि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. पहले वाला टाइम ज्यादा क्यों था? क्योंकि दे आर मूविंग इन टाइम कम क्यों था? दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. और टाइम ज्यादा क्यों था? दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. यहां तक क्लियर है? तो 18 मिनट में ओवरटेकिंग हो रही है इन सेम डायरेक्शन, 6 मिनट में ओवरटेक क्रॉस कर रहे हैं व्हेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. कह रहे इस इंफॉर्मेशन से बताओ कैपिटल टी क्या है, बताओ बस की स्पीड क्या है. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया. एक काम करेंगे हम, इसमें दो केस बनाएंगे. पहला केस व्हेन साइक्लिस्ट एंड बस आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. तो करते हैं शुरू. सबसे पहले मान लो v एक बस की स्पीड है, बस की स्पीड v है, कांस्टेंट है. नेक्स्ट साइक्लिस्ट और बस सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? बस की स्पीड माइनस साइक्लिस्ट की स्पीड, यानी कि v माइनस 20. क्या स्टेप क्लियर है? तो क्योंकि व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस होगी रिलेटिव, तो v माइनस 20. अब ये बताओ 18 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस साइक्लिस्ट ने? एक साइक्लिस्ट ने चलते चलते डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 18 मिनट में. 18 मिनट का क्या सिग्निफिकेंस है? एक बस क्रॉस करती है फिर अगली क्रॉस करती है, उतनी देर में साइक्लिस्ट आगे मूव कर जाता है. ठीक. तो इस केस में जैसे ये साइक्लिस्ट यहां पर था, बस थी यहां पे, पहली सिचुएशन, फिर थोड़ी देर में साइक्लिस्ट यहां पे आ गया और ये बस तो यहां से क्रॉस कर गई थी इसे, फिर अगली बस इसको यहां क्रॉस करती है. मानते हो ये चीज? तो साइक्लिस्ट ने कितनी दूरी कवर की ये कैलकुलेट करें. अब बस से बस की टाइम इंटरवल 18 मिनट गिवन है, तो यानी कि साइक्लिस्ट यहां से यहां कितनी देर में आ रहा है? 18 मिनट में. जब एक बस और दूसरी बस ओवरटेक करती है तो उस दौरान उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वेलोसिटी क्या लेंगे v माइनस 20 और टाइम क्या लेंगे इसमें 18 मिनट, मिनट को कन्वर्ट कर लेना. तो आर्स में तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? साइक्लिस्ट ने. यहां पर एक कंफ्यूजन होती है लोगों को, वो ये पूछते हैं कि सर इसमें समझ ही नहीं आया कि आप डिस्टेंस तो साइक्लिस्ट का ट्रेवल करवा रहे हो, तो ठीक है टाइम आपने 18 मिनट लिया, 18 मिनट के अंदर कवर करवा रहे हो, समझ में आती है, तो आपने स्पीड सिर्फ साइक्लिस्ट की क्यों नहीं ली? आपने बस की स्पीड और साइक्लिस्ट की स्पीड की रिलेटिव स्पीड क्यों ली? क्योंकि डिस्टेंस तो साइक्लिस्ट का कवर हो रहा है. क्यों? क्वेश्चन वैलिड है ना? मैंने क्या बोला कि यहां पर रिलेटिव स्पीड क्यों ली जबकि डिस्टेंस तो साइक्लिस्ट का कवर हो रहा है? क्योंकि 18 मिनट में 18 मिनट वो समय है जब चलती हुई बस
चलते हुए साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रही है। तो टाइम में दोनों वेलोसिटीज को कंसिडर किया गया, इसलिए यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी को कंसिडर किया। पॉइंट्स में आ रहे हैं यहां तक, एस इज इक्वल टू वी टी लगा लिया, 18 मिनट का मतलब है चलती हुई बस चलते हुए साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रही है, इसलिए यू हैव टू कंसिडर रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये साइक्लिस्ट का डिस्टेंस आ गया। साइक्लिस्ट के डिस्टेंस के बाद अब ये बताओ कि बस ने कितनी दूरी कवर की 18 मिनट में। बस ने भी यही डिस्टेंस कवर किया सेम, देखो बस यहां से यहां पर, साइक्लिस्ट यहां से यहां पर, तो बस की स्पीड क्या है, वी। बस की स्पीड तो वी है, और टी और बस, एक बस से दूसरी बस का टाइम इंटरवल 18 थोड़ी ना टी टाइम है, क्योंकि अगर सिर्फ बस की बात करें, देखो बस को साइक्लिस्ट से क्या लेना देना, बस का टाइम इंटरवल गिवन है कैपिटल टी पीछे से, तो एक बस और दूसरी बस के बीच में टाइम इंटरवल जो है वो कैपिटल टी है, 18 थोड़ी ना है, क्योंकि 18 तो साइक्लिस्ट के लिए है, एक्चुअल में सिर्फ बस बस के लिए तो एक्चुअल में कैपिटल टी है, और बस की स्पीड वी है, तो बस ने कितनी दूरी कवर की, बस की स्पीड इंटू टाइम ऑफ बस। अब डिस्टेंस दोनों का एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि साइक्लिस्ट का डिस्टेंस और बस का डिस्टेंस सेम है। तो आप एक काम करें, ये जो आपने साइक्लिस्ट की दूरी कवर की और बस की जो दूरी कवर की, दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जब केस नंबर 2 होगा तो बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ नहीं करना है इसमें, वी माइनस 20 की जगह वी प्लस 20, टाइम 18 की जगह 6, बाकी एवरीथिंग इज सेम। दो केस बन गए, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके वी आ जाएगा, वी आएगा टी आ जाएगा, आंसर आ गया, डन।